एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज वन इंडिया के ई कॉन्क्लेव पर, जहां पर सुबह से ही तमाम दिग्गजों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक तमाम दिग्गजों से हमने चर्चा की है, एक सकारात्मक चर्चा जिसका उद्देश्य है इस कोरोना के संकट काल में एक ऐसी एनर्जी प्रवाहित करना जो लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मददगार साबित हो, जो हमेशा से उन्हें एक ऊर्जा दे। तो अब एक बार फिर से हम जब आगे की चर्चा की शुरुआत करें तो हमारे साथ में इस बार कौन मेहमान है वो जरा बता दें आपको। एक बार सुरेश राठौर साहब हमारे साथ में, ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। सुरेश राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद है कि सब खैरियत होगी, स्वस्थ होंगे आप, आपका परिवार सभी स्वस्थ होंगे। जी जी, सब स्वस्थ है। कोरोना संकट काल में सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में इस बार जो तजुर्बा किया है उसने बहुत कुछ नया सिखाया है। तो आप क्योंकि विधायक हैं, आपने तमाम तस्वीरों को देखा है, क्या कुछ समस्याएं उत्तराखंड में आई हैं और किस तरह से पलायन तेजी से, रिवर्स पलायन तेजी से बढ़ा है उत्तराखंड की ओर, इन तमाम जो तस्वीरों को देखने के बाद आपका तजुर्बा है वो क्या कहता है, अब उत्तराखंड किस दिशा में आगे बढ़ेगा? देखिए, उत्तराखंड को तो कई तरह की मार पड़ी है। पर्यटक आता था, पर्यटक हमारी आमदनी का एक जरिया था। पर्यटन इस समय बिल्कुल बंद हो गया जी। 2021 में महाकुंभ आने वाला है। महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। अगर कोरोना इस तरह से चलता रहा तो मेरे ख्याल से यात्री नहीं आ पाएंगे, उनको इजाजत भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस समय की स्थिति है। क्योंकि जनवरी में पहला स्नान होना है, तो बहुत सारी चीजें उत्तराखंड के साथ जुड़ी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम इस भारत का मस्तक है, यहीं से हिमालय निकलता है, यहीं से गंगा निकलती, यहीं से यमुना निकलती, यहीं से सरस्वती निकलती और सारी दुनिया को ऑक्सीजन देने वाला उत्तराखंड है। आज कोरोना के साथ और कोरोना के बाद क्या होगा, इस पर हम चर्चा में हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करूंगा और देश की जनता से भी अपील करूंगा कि ये इतना सुंदर कार्यक्रम लेके आए, इससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ भी जाया नहीं करना चाहिए। सुरेश जी, उत्तराखंड ने कई त्रासदियों को देखा है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि हम तो बार बार गिरकर फिर से उठ खड़े हुए हैं। अब तो बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इस संकट को झेल रही है, सिर्फ इकलौता उत्तराखंड नहीं। और आपने बहुत बखूबी ये जिक्र किया कि उत्तराखंड में हमेशा से ही टूरिस्ट के जरिए ही यहाँ का रोजगार चलता रहा है, लेकिन अब पूरे वैश्विक स्तर पर ही इस टूरिज्म को जब इतनी मार झेलनी पड़ रही है तो उत्तराखंड ही क्या है। तो उत्तराखंड सरकार ने अब अपने लिए आमदनी के स्रोत क्या होंगे, इस पर जाहिर सी बात है विचार विमर्श किया होगा, और आप सभी लोग क्योंकि हिस्सा है सरकार का, तो अभी तक क्या कुछ निकल कर आया, मतलब इस समस्या से पार पाने के लिए, या फिर यूं कहें कि आमदनी के स्रोत को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार के पास में क्या रोड मैप है? देखिए, मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा, माननीय देश के प्रधानमंत्री के पास और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ दोनों बातों पर मैं आपका गौर कराना चाहूंगा। जब संजीवनी की बात आती है तो उत्तराखंड की बात आती है, हिमालय की पर्वत से हनुमान जी संजीवनी लेकर गए जी। इस कोरोना की महामारी के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई आमदनी का सिलसिला बना है तो वो यहाँ की, हमारे भारत की जड़ी बूटियां बनी। बहुत सारी वनस्पतियां हैं, ऐसा हमारा व्यापार से बढ़ सकता, उद्योग बढ़ सकता। यहाँ की जो खनिज है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे उत्तराखंड की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। और वो विभिन्न विभिन्न रूप में, खूबसूरती हमारे उत्तराखंड की इतनी है कि स्विट्जरलैंड भी उसके सामने कुछ नहीं दिखाई देता। उसको विकसित करना पड़ेगा, पर्यटकों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का जो आगे सब्जेक्ट चलने वाला है वो लंबे समय तक चलेगा। मैं नहीं समझता साल दो तीन साल से पहले इसको, क्योंकि कोरोना के साथ ही जीने की आदत को डालना पड़ेगा। अगर हम इसके साथ नहीं जिएंगे तो हम हानि करेंगे। आपने देखा थोड़ी सी ढील हुई और ग्राफ हमारा एकदम बढ़ गया। तो ये इसके पीछे जहां जहां संक्रमित लोग हैं वो आ रहे हैं, तो उसका असर कोरोना के ऊपर भी पड़ने वाला, हमारे उत्तराखंड के ऊपर भी पड़ने वाला, वो इजाफा होगा। लेकिन उससे कैसे त्रासदी से निपटे, हमारी इम्यूनिटी कैसे मजबूत हो, हमारी ताकत को, हमारी आयुर्वेद है, आज लोग आयुर्वेद को जानेंगे और कोरोना की बात को मानेंगे। अच्छा, उत्तराखंड की तो अपनी पहचान यही कहती है सुरेश जी, कि उत्तराखंड के लोगों ने खुद को हमेशा जमीन से जोड़े रखा। आप चाहे कितनी तरक्की कर लें, यानी चाहे कोई कितने बड़े से बड़ा अधिकारी बन जाए, कोई कितने बड़े से बड़ा मंत्री बन जाए, लेकिन यहाँ जो उनकी अपनी जड़ें हैं उनसे जुड़ाव हमेशा से ही उत्तराखंड के लोग रखते हैं। तो क्या बस यही बचाव अब उत्तराखंड के लोगों का कर पाएगा, अपनी मिट्टी से जुड़ाव?
पूजा जी आपने देखा होगा जब उत्तरकाशी का भूकंप आया बहुत बड़ी त्रासदी हुई, केदारनाथ का भूकंप आया बहुत बड़ी त्रासदी हुई, पिथौरागढ़ के अंदर हमारे पास इसी तरह की त्रासदी के कारण बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन उत्तराखंड के वासियों ने उसको मिलकर झेला। मैं कहना चाहूंगा आपके न्यूज वन इंडिया के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके पीछे कारण है, हम कितने मुल्कों से गिरे, चाइना हमारे बॉर्डर पर, तिब्बत हमारे बॉर्डर पर, भूटान हमारे बॉर्डर पर, नेपाल हमारे बॉर्डर पर, ये बहुत सारे देश हमारी सीमाओं से गिरे हैं। यहाँ के रोजगार को सुदृढ़ीकरण करना पड़ेगा, उद्योग को भी, और हम जो पलायन करके लोग हमारे वापसी आए प्रवासी, वो यहीं पर रोजगार की स्थिति में आ जाए, हम काम लेने के बजाय काम देना प्रारंभ करते हैं, ऐसी सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म का रोड मैप हो गया, अभी तो लोग चाहते कि इंस्टेंट रिलीफ मिले, उस इंस्टेंट रिलीफ के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर कि सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की। मैं विपक्ष के क्या आरोप है वो बता रही हूँ, आप उस पर जरूर अपना पक्ष रखिएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार को ठोस रणनीति के साथ में काम करना चाहिए था, लेकिन ये सरकार ठीक तरीके से काम ही नहीं कर पाई, लोगों की परवाह ही नहीं की। देखिए, हमारे पास जितने साधन थे उसको हमने बहुत आगे जाकर बढ़ा दिया। क्वारंटाइन करने के लिए हमने अलग अलग स्थानों का चयन किया जी, और उनको कहीं होटल लिए, कहीं धर्मशालाएं लिए, सब लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए उनको वहां पर रखा गया। और उत्तराखंड के लिए बेहतर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ग्राफ जब आता है पूरे देश के अंदर तो हम सबसे नीचे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अब विषय ये उठता है कि पहले तो पता नहीं था किसी को कोरोना आएगा, आज जितना जल्दी से हो सकता सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसमें बहुत कमी आ गए। मैंने यही कहा कि आपने कहा ना कोरोना के साथ और कोरोना के बाद, कोरोना के बाद होने वाला क्या गंदी राजनीति होगी, तरह तरह की छिटाकथी करेंगे लोग। हम पहले ही बताना चाहते हैं कि हमने जनता के हित में फैसला किया, जितने लोग उत्तराखंड के अंदर रहने वाले जो बाहर से प्रवासी हैं उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा करना, उनको घरों तक पहुंचाना, उनको बुलाना, ये सारी चिंता माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने की है, और इस पर बराबर डटे हैं सारे अधिकारी गण लगे, सारा मीडिया लगा, सब लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, रोजगार के अवसरों की तलाश में हमेशा से उत्तराखंड के लोग पलायन करते रहे, उत्तराखंड की युवा शक्ति वहां से पलायन करती रही, और आप इसी पलायन को अपने लिए बहुत बड़ी चुनौती भी मानते रहे। अब जबकि रिवर्स पलायन हो रहा है, मतलब एक तरह से सरकार के ऊपर अब डबल प्रेशर बनेगा रोजगार के अवसर मुहैया कराने को लेकर, और बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया कराना, जैसे श्रमिकों को आप मनरेगा के तहत कामकाज दे सकते हैं, या फिर और नई इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करके आप उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जब एजुकेटेड लोगों की बारी आएगी तो फिर वो अपने लिए बेहतर, और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि उनके लिए आप रोजगार के अवसर पैदा करें। इस लिहाज से सरकार के पास में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि अभी तक तो जिन वनस्पति का जिक्र आप कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, शॉर्ट टर्म होगा, तुरंत उसकी जड़ी बूटियों की दवाई मिलने की लोगों को आवश्यकता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कोरोना की जंग है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ पूजा जी के, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, हम करके दिखा देंगे। देश का ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक एक व्यक्ति की चिंता करता है, चाहे वो एजुकेटेड हो और चाहे वो ब्लो एजुकेशन वाला और या मजदूर हो, वो सबकी चिंता करने वाले हैं, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, किसी पर आपकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, माननीय मोदी सब कुछ ठीक कर देंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बात करके हम इस उत्तराखंड को बिल्कुल ठीक करेंगे। लेकिन उसके लिए जो भी नया सेटअप की आप बात कर रहे हैं उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, जब तक आप लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक सरकार भी कहां से पैसा लगाएगी, जब पूरा टूरिज्म ठप पड़ा होगा। सर एक सेकंड मेरी बात पूरी सुन लीजिए, जब टूरिज्म ठप पड़ा होगा तो सरकार की आमदनी कहां से होगी, लोगों की आमदनी कहां से होगी, लोगों की आमदनी से जुड़ी हुई सरकार की आमदनी होती है, जब ये पूरा सिस्टम अभी ठप बैठा हुआ है और उसको दोबारा से रिकवरी में टाइम लगेगा, इस रिकवरी टाइम में तो सरकार के सामने चैलेंजेस होंगे ना। मैंने कहा, मैंने सबसे पहले पूजा जी आपसे एक ही बात कही, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम दुनिया को ऑक्सीजन देते हैं, हम यहाँ की वनस्पति देते हैं, हम यहाँ के लोगों को प्रभावित करते हैं पर्यटन की दृष्टि से, बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री हरिद्वार, इसके ये सारे साधन संसाधन हैं। मैं आपके इंडिया टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी उत्तराखंड सरकार को कोई विशेष पैकेज दे ताकि हम पलायन भी रोक सके, रोजगार भी दे सके, हम रोजगार लेने वाले न बने, रोजगार देने वाले बने।
मैं आपके माध्यम से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मोदी से अपील करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की ओर ध्यान दे। हम लोग अभी युवावस्था में पहुंचे हैं, हमारी सरकार को विशेष योगदान देते हुए मैंने जिक्र किया था, हम भारत चीन तिब्बत और नेपाल इन सीमाओं से भी हैं, हमें सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे राज्य के ऊपर है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें कोई विशेष पैकेज दें ताकि हम कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ अपने लोगों को रोजगार के बड़े बड़े अवसर दे सकते हैं, पहाड़ी राज्यों में पलायन को रोक सकते हैं, वहां नए नए कृत्रिम उत्पादन कर सकते हैं, तो उनसे हमारा पलायन भी रुकेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और लोगों को यहाँ रहने का फिर पुनः अवसर मिलेगा। अच्छा, एक विषय इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति में खूब उछाल पर है और वो है विधायकों की वेतन भत्ते में से 30% की कटौती, जिसको लेकर विपक्ष की ओर से जी इंदिरा हृदयेश कहती हैं कि जब भी इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें विपक्ष को शामिल ही नहीं किया जाता, उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी। और करीबन 25 से 30 खुद सरकार के विधायक भी ऐसे थे जिनकी ओर से इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो आप पर्टिकुलरली, मैं आपसे इंडिविजुअली, मेरा ये आपसे सवाल है, ये 30% वेतन भत्ते में जो कटौती की बात की जा रही है, क्या आप इसको स्वीकारते हैं? बिल्कुल 100% स्वीकारते हैं, हमने तुरंत एकदम चिट्ठी भी लिख दी थी माननीय विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, मेरे पास मेल आई थी और मैंने अपनी सहमति दे दी थी, और वो भत्ते से काटे जो भी काटे देश के हित में वो 30% हमने अपना दे दिया, और उसके साथ 2 करोड़ रुपए हमने अपनी विधायक निधि से दे दिया। ये सारा पैसा हमने सरकार को लिखित में दे दिया है, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है कि वो उसको किसी भी हिम्मत में लगाए, उत्तराखंड राज्य में हमें मजबूत बनाना है, ये तो छोटी सी बात है, अगर वो इससे भी ज्यादा मांगते तो हम दे। अच्छा, विपक्ष की भूमिका इस वक्त आप कैसी देख रहे हैं और विपक्ष की भूमिका आगे आप कैसी देख रहे हैं, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में भी उनकी ओर से कई अगर सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। जब सुबह त्रिवेंद्र सिंह रावत से न्यूज वन इंडिया की बातचीत हुई ई कॉन्क्लेव के माध्यम से, उनकी ओर से कहा गया कि राजनीति के मौके बहुत आएंगे, लेकिन फिलहाल विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और हमारे साथ में आकर जनहित में कार्य करने चाहिए, और विपक्ष कहता है कि आप उन जनहित के कार्य में उनको साझा ही नहीं करना चाहते, कोई भी फैसला आप अपनी मनमानी से ले लेते हैं। मैं भी उसी बात को दोहराऊंगा पूजा जी, जो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कही है, उनको इस समय हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना की महामारी को दूर करने में अपना योगदान देना चाहिए। उसके बाद में बहुत सारी राजनीति होती है, बहुत सारे काम होंगे, आखिर रहना तो सबको यहीं पे है ना, तो बाद में राजनीति करें, लेकिन इस समय ये वक्त नहीं है। कोई भी मीटिंग माननीय विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से या मुख्यमंत्री के माध्यम से जब कोई फैसला लिया जाता है तो नेता प्रतिपक्ष को निश्चित रूप से बुलाया जाता है, ये कहना एकदम सरासर गलत है कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया। और अनेकों विधायकों ने, उसमें कांग्रेस के भी विधायक है, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो 30% कटौती की बात कही है स्वीकारते हुए अपनी सहमति दी है, ऐसा नहीं। अच्छा, उत्तराखंड में अपनी सहमति जी, उत्तराखंड में आप लोगों ने गांव तक ये प्रकोप ना पहुंचे कोरोना का, उसके लिए आपने प्रधानों को जिम्मेदारी लगाई, क्या आपको लगता है कि प्रधानों को पूर्ण रूप से ये जिम्मेदारी सौंपकर आप लोगों ने सही फैसला लिया, क्योंकि शुरुआती दौर में उत्तराखंड बहुत बेहतर स्थिति में था, लेकिन जैसे जैसे रिवर्स पलायन शुरू हुआ, लोगों ने अपने अपने गांव पहुंचना शुरू किया, प्रधानों की जिम्मेदारी थी कि उनको प्रॉपर क्वारंटीन में रखा जाए, उनके जरिए ये और लोगों तक ना पहुंचे संक्रमण, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर ये देखा गया कि उत्तराखंड में जो दुर्गम रास्तों वाले गांव थे वहां पर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जो बसे गांव थे अब वहां तक भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है, क्या आपको लगता है कि वो फैसला सही था? देखिए, प्रवासी तो यही के हैं, उनको आने से रोका जा नहीं सकता। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप देश के इतिहास को देखें, देश के आंकड़े को देखें, तो उत्तराखंड मैंने कहा सबसे नीचे पायदान पर है। हमारे प्रतिशत को देखें, 1,30,00,000 लोग हम रहते हैं, उसमें हमारे आंकड़ों को देखें तो 100 कुछ का आंकड़ा हमारा है, हम बहुत नीचे है। और ये इतना बड़ा आंकड़ा, इसमें बहुत सारे लोग क्षेत्र लोग मेरे ख्याल से ठीक होकर चले गए, और बहुत ही कम आंकड़ा है मैं बता रहा हूँ, और इससे निपटने की ताकत है हमारे पास, इससे ज्यादा व्यवस्थाएं हमारे पास सब जगह सभी जिला अस्पतालों के ऊपर कर दी गई है, और सरकार पूरी तरह से इसमें हमारे IAS लोग, IPS लोग, PCS लोग, तमाम लोग जुटे हैं, और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इस कोरोना की महामारी को दूर करने में लगी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा इंडिया वन न्यूज के माध्यम से कि इस लड़ाई को हम बड़ी आसानी से खेलेंगे। अच्छा, हम चाहेंगे कि न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को जल्दी से आप एक पॉजिटिव संदेश दें ताकि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास ही पैदा हो और वो लोग पॉजिटिव भी हो पाए इस मुश्किल की घड़ी में, जल्दी से सर।
पूजा जी तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, खाने के कठिन चलता रहने जैसा। कितने तुम्हारे हमारे बीच में मानव को मानव समझे, ईश्वर को माने, ईश्वर की भक्ति में लगे। ईश्वर की भक्ति ही सबसे बड़ा संदेश है जो क्षण भर में पहुंचाती है। मैंने पहले भी 29 मार्च को कहा था, संदेश दिया था कि सब लोग अपने अपने घरों में रहकर ये मान ले कि ईश्वर से प्रार्थना करें, इस महामारी से हमें निजात दिलाए। पहली बार दुनिया में ऐसा देखा गया कि सारे बड़े बड़े मंदिर, गिरजाघर और ये हज और जितने भी स्थान थे वो दुनिया में बंद हो गए। उसको खोलने का रास्ता केवल ईश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए, विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी और अपने जो हमारे डॉक्टर लोग लगे हैं उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए इस कोरोना की महामारी को हम फैलाएंगे। और जितने भी योद्धा हमारे उनका सबका सम्मान करें, स्वागत करें और उनके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। ये भी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और उस पूरी बातचीत के लिए। देखिए कुल मिलाकर इस संकट की घड़ी में हमें ये तो सीख लेना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियां कितनी भी हो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। जिंदगी जीने का यही तरह का है। छोटा सा ब्रेक।